If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल T24 Time में एक बार फिर से। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है लाइफ के ऐप 10Q मॉडल पर, जिस पे कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने इस मॉडल पे ओमनी एसटी और हॉटस्पॉट जेबी स्टोर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप कहीं भी मत करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे होगा। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सभी फाइलों का लिंक दे दूंगा, तो सबसे पहले आप इस प्रोसेस को देखिए, उसके बाद ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके उस लिंक से फाइल को डाउनलोड करिएगा और फिर से आप अपने फोन में इस प्रोसेस को ट्राई करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या रिजल्ट आया, आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है या अभी तक नहीं कर पाए हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में मैं अपने चैनल अबाउट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हूँ, तो यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, मेरे पास अभी फोन में ओमनी एसटी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ दोबारा से इंस्टॉल करके। तो यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो देखिए अनइंस्टॉल और ये अनइंस्टॉल हो गई। अब चलते हैं अपने सिस्टम पे और आपको बताते हैं कि आपको कैसे अपने लाइफ ऐप 10Q मॉडल पर ओमनी एसटी को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं और यही वो फाइल है जिसको कि आपको डाउनलोड करना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइल है जिप फाइल में है, तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस फाइल पे आपको, यहाँ पे देखिए मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको वो फाइल कुछ इस तरह से दिखेगी और उसके बाद आपको इस फाइल पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल या एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू, तो आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही देखिए कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपसे एक छोटा सा पासवर्ड भी पूछा जाएगा, तो उस पासवर्ड को मैं भी अपने वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, बोलते हैं कि मेरे इस कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ये फाइल इस तरह से नहीं दिख रही है, इस पर एक राइट क्लिक करते हैं तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन से नहीं आता। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए क्या करना है कि आपकी जो फाइल आपने डाउनलोड किया मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो कुछ इस तरह से दिखे, तो इसके लिए आपको सीधे अपने चलना है गूगल क्रोम, गूगल ओपन कर देना है और वहां पे आपको टाइप कर देना है विनरार। तो यहाँ पे देखिए हमने विनरार टाइप किया, तो यहाँ पे देखिए विनरार डाउनलोड का एक ऑप्शन था, तो इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे सबसे जो पहली नंबर वाली वेबसाइट है, लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक डाउनलोड विनरार का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड विनरार और यहाँ पे फिर दोबारा आना है क्लिक, तो यहाँ पे फिर से आपको एक बार आना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से 5 सेकंड बाद डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप सिस्टम पे एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, तो उसको आप ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। और जब आप इंस्टॉल फिनिश कर लेंगे तो कुछ इस तरह से वो फाइल, मेरी ये फाइल आपके सिस्टम पे भी दिखने लगेगी और फिर जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट है या एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन आने लगेगा। अब जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा मेरी इस फाइल को। यहाँ पे देखिए इसकी जो ये मेन फाइल है, ये है लाइफ ऐप 10Q ओमनी एसटी फाइल और कुछ इस तरह से फाइल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इस फाइल में कोई भी चेंजअप नहीं करना है और ना ही इस फाइल का नेम चेंज करना है, जो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस फाइल के साथ आपको 2 फ्लैश टूल दिए हैं, तो आपको दोनों से फ्लैश कर देना है, यहाँ पे करना एक ही से है। अगर आपके सिस्टम पे कोई एक फ्लैश टूल वर्क नहीं कर रहा है तो आपको दूसरे वाले फ्लैश टूल से फ्लैश कर लेना। तो आप देखिए ये क्यूपिल फ्लैश टूल है, ये देखिए, फिर इसके बाद इसको ओपन करने के बाद आपको BIN पे जाना है, दूसरे नंबर पे बिन पे गए तो यहाँ पे क्यूफिल का आइकॉन दिखेगा यहाँ पे नीचे, और नीचे चलते हैं यहाँ पे देखिए क्यूफिल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन भी बना है, तो इस पे आपको क्लिक करके इसको रन कर देना है। और फिर इसके बाद जब रन कर देंगे तो यहाँ पे आपको फ्लाइट बिल्ड पे आना है और यहाँ पे आपको अपनी फाइलें वगैरह सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए इसको मैं एक बार क्लोज करके दूसरा वाला टूल भी उसको भी दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे दूसरा वाला टूल कुछ इस तरह से दिखेगा, क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर, और यहाँ पे इसका वर्जन लिखा हुआ है, तो आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये क्यूफिल का लोगो देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको ओपन कर देना है या 2 बार क्लिक कर देंगे तो रन हो जाएगा। तो
यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ही रन हुआ और सेम इसमें भी यही प्रोसेसिंग है। आपको यहाँ पे फ्लाइट बूट पे क्लिक करके और यहाँ पे अपनी फाइलें सेलेक्ट कर देना है। लेकिन अभी सबसे पहले इसका मैं ड्राइवर डाउनलोड करना आपको बताता हूँ, इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर का सेटअप है। इसको जब ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करके यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है, तो आज मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट इसको फ्लैश करते हैं और इस पर ओमनी एसटी को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वाले फ्लैश टूल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बी आई एन पे गया और यहाँ पे देखते हैं क्यूफिल कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे क्यूफिल है, इसको ओपन कर लेते हैं, दो बार क्लिक कर देते हैं या तो फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लाइट रूट पे आना है और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर देना है। तो इसका जो प्रोग्रामर पता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे रखा है तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइव जियो, यहाँ पे देखिए लाइव एफ 10Q ओमनी एस टी 5x T24 टाइम दिखा हुआ दिख रहा है, इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ही लाइव एफ 10Q ओमनी एस टी 5x T24 टाइम दिखा, इसको भी ओपन करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर EMMC फायरहॉस 8909 DDRMPN लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद सीधे चलते हैं लोड XML फाइल पे, इस पर क्लिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये फोल्डर ओपन हो जाएगा और ये फाइल ओपन होगी। तो इस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फिर से नया फोल्डर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फाइल है इस टूल पे लोड हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, अब चलते हैं अपने फोन की तरफ और फोन को कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यदि डाउनलोड करते वक्त आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कुछ लिख के आता है सहारा एरर डाउनलोड फाइल, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक और दूंगा जिनको कि आपको एक सेटअप होंगे छोटे छोटे, उनको आपको डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर लेना है। केवल आपको इंस्टॉल करना है और फिर से दोबारा इसी टूल पे आना है और इसको ओपन करके सेम प्रोसेस फिर से ही करना है। तो उसके बाद आपके कंप्यूटर में एरर नहीं आएगा, यदि आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे चलिए अब इसकी हम फ्लैशिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको एक डाटा केबल चाहिए अच्छी क्वालिटी की। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा केबल चाहिए जो कि आपके सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। अब उसके बाद इस फोन की बैटरी को बाहर निकाल देते हैं 2 सेकंड के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने बैटरी बाहर निकाली 2 सेकंड के लिए और ये बैटरी लगा देते हैं, फोन स्विच ऑफ है। यदि अब आपके पास लाइव को एफ 10 की हुई है तो जो इसकी बूट की होती है वो ये वाली बटन होती है, ये अप करने वाली बटन जो होती है ये इसकी बूट की होती है। तो इसको आपको दबा लेना है और अभी छोड़ना नहीं है और फिर डायरेक्ट आपको केबल लगा देना है। तो फोन एक बार आपका ब्लिंक करेगा और ब्लिंक करने के बाद सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखाता हूँ कनेक्ट करके। तो यदि आपके पास लाइव का F10Q मॉडल है तो आप नीचे यहाँ पे केबल लगती है तो वहां पे आप लगेगा। यहाँ पे मैं केबल एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास है ये लाइव का F10Q नहीं है, दूसरा मॉडल है। मेरे पास लाइव का F10Q मॉडल नहीं था तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। तो ये बटन दबा के आपको केबल लगा देना है। तो आप चलिए मैं इस फोन को कनेक्ट कर देता हूँ। तो एक बार देखिए ब्लिंक करेगा, ब्लिंक किया और सिस्टम से आपकी आवाज आएगी। यदि आपने अब यहाँ पे चलते हैं टूल में तो यहाँ पे देखिए अभी तक यहाँ पे नो पोर्ट लिखा हुआ आ रहा था। यहाँ पे देखिए क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008COM14 यहाँ पे दिखाने लगा है। इसका मतलब कि फोन जो है हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन यदि आपके सिस्टम पे यहाँ पे ड्राइवर नहीं शो करता है, कुछ ऐसा ड्राइवर नहीं शो करता है, पोर्ट नहीं शो करते हो, तो आप समझिए कि आपका जो सिस्टम है उस पर ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप दोबारा से ड्राइवर को इंस्टॉल करिए, उसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा जब आपका फोन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे तब भी नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पोर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बोर्ड दिखाएगा। तो उसके बाद आपको ओके कर देना है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये बोर्ड शो होने लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो रही है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है आपके सिस्टम पे और 10 से 15 सेकंड के अंदर ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड सक्सेस लिख के आ चुका है। अब क्या करते हैं, फोन को अलग करते हैं, डाटा केबल से बाहर निकाल देते हैं और बैटरी को एक बार फिर से निकालते हैं बाहर और अब फोन को कर देते हैं स्विच ऑन। तो अब देखते हैं क्या इस फोन में ओमनी एसटी आया कि नहीं आया। तो आप लोग कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि आपने अपने फोन पे इंस्टॉल कर लिया कि नहीं कर पाए हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए बूट होने ही वाला है।
और अब आपके पास कौन सा मॉडल है जिस पर कि मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए फोन ऑन हो चुका है। अब इसके मेनू पे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस फोन पे ओमनी एचडी इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए नीचे और आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस फोन में ओमनी एचडी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। अब मैंने दोबारा फ्लैश किया तो ये फिर से आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब अपने फोन में हॉटस्पॉट और जेबी स्टोर को इंस्टॉल करना है। तो आपको सीधे अपने जियो फोन के ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे के रखा हूँ, आप जाइए और उस लिंक को देखिए। और इस लिंक को आपको इस ब्राउजर को ओपन करके, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सर्च वाली बटन जो है इसको आपको दबा देना है और यहाँ पे उस लिंक को टाइप कर देना है जो भी मेरी लिंक है। आप कुछ है कुछ इस तरह से लिंक लिखी होगी तो आपको उस लिंक को टाइप कर देना है। और जब पूरी लिंक टाइप हो जाए तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा जो जेबी स्टोर है या जेबी हॉटस्पॉट है वो दोनों डाउनलोड हो जाएगा। दोनों को मैंने अलग अलग लिंक दिया है तो आपको दोनों लिंक को टाइप करके बारी बारी से डाउनलोड कर लेना है। जब आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से मीनू पे अपने चलना है और मीनू पे चलने के बाद ओमनी एचडी एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप ओपन कर लेंगे और डाउनलोड आपका सक्सेसफुल हो चुका होगा जो ओमनी एचडी और जेबी स्टोर का, जो हॉटस्पॉट और जेबी स्टोर है, यदि वो डाउनलोड कंप्लीट दिखा देता है आपके मोबाइल पे तो यहाँ पे वो दोनों सेटअप यहाँ पे शो होंगे। तो उसके बाद आपको बारी बारी से उन सेटअप पे जाके इंस्टॉल पे क्लिक करते जाना है। तो वो दोनों सेटअप आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके बाद आप उनका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कमेंट जरूर करिएगा और साथ में मैंने अपना नंबर दिया है तो कॉल या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना बिल्कुल भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।